कृषि विभाग द्वारा यूरिया खाद वितरण में सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जा रही है। उप संचालक कृषि विकास RPS नायक ने जानकारी दी कि वर्तमान में रबी फसलों की बोवनी द्रुत गति से पूर्णता की ओर है। कुछ किसानों ने अगेती बोवनी कर ली है, जो बच्चे हैं वे भी शीघ्र से कर रहे हैं। उज्जैन विकास खंड में गेहूं की खेती बहुतायत से की जा रही है। आलू, प्याज और लहसुन का भी बहुत बड़ा क्षेत्र है। इन फसलों के उत्पादन में उर्वरकों की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। उज्जैन एवं नजदीकी क्षेत्र के सभी किसानों को उर्वरक सहजता से निर्धारित दरों पर उच्च गुणवत्ता युक्त मिले, इस हेतु मध्य प्रदेश शासन कृषि विभाग के निर्देश अनुसार विकास खंड उज्जैन में स्थित सभी निजी उर्वरक विक्रेताओं और समितियों पर जहां जहां उर्वरक उपलब्ध है वहां ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों की ड्यूटी लगाकर उर्वरक वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। चालू सत्र में अभी तक गत वर्ष से अधिक उर्वरक वितरण किया जा चुका है और वरिष्ठ स्तर से सतत आवक जारी है। उर्वरक वितरण के साथ साथ किसान भाइयों को कृषि आदान उच्च गुणवत्ता का प्राप्त हो, इसे सुनिश्चित करने हेतु विकास खंड में अभी तक विक्रेताओं, उत्पादकों के प्रतिष्ठानों से बीज के 100 से अधिक नमूने एवं उर्वरक के 170 नमूने संकलित किए, जिनकी जांच हेतु प्रयोगशाला को भेजे जा चुके हैं तथा लगभग 75 से अधिक विक्रेताओं की फर्मों का निरीक्षण किया गया है। यदि कोई नमूना अमानक स्तर का मिलता है तो नियमानुसार संबंधित के विरुद्ध कठोर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाएगी। नमूने लेने और निरीक्षण की ये प्रक्रिया जिला स्तरीय जांच दल द्वारा सतत जारी रहेगी। यदि कहीं अमानक जैसा या अधिक कीमत का उर्वरक विक्रय किया जाता है तो इसकी सूचना बिल सहित स्थानीय कृषि अधिकारी सुबोध पाठक को मोबाइल नंबर 9424016725 पर दी जा सकती है। किसान हर तरह के कृषि आदान क्रय करने का बिल विक्रेताओं से अनिवार्य रूप से ले। अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है जो मार्किंग करेंगे कि कोई कालाबाजारी नहीं हो, इसके लिए क्या व्यवस्था बनाई सर आपने? इसी के लिए हमने व्यवस्था लगाई है कि एक तो व्यवस्थित रूप से खाद का वितरण हो जिले में, जहाँ भी निजी विक्रेताओं के यहाँ भी खाद कंपनियों के माध्यम से जाता उन पर भी हमारे लोग समक्ष में वितरण कराएं, ताकि किसान भाइयों को कालाबाजारी और इस तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इस उद्देश्य से ही हमने ये ड्यूटियां हमारे सभी कर्मचारियों की भी लगाई हैं। थैंक यू।